नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। राम मंदिर पर फैसला आने वाला है, सरगर्मियाँ शुरू हो गई है। फैसला क्या आएगा ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन सबको उम्मीद है कि कुछ न कुछ इस बार महत्वपूर्ण जरूर होगा, जिसकी वजह से हमेशा हमेशा के लिए झगड़ा खत्म हो जाएगा। लगभग 500 साल के इतिहास में कई ऐसे मोड़ आए जबकि वहाँ पर कुछ हो सकता था, बहुत कुछ हुआ भी, लेकिन ये झगड़ा बढ़ता ही चला गया। 1528 से ये झगड़ा शुरू हुआ था, जब कहा जाता है कि राम मंदिर को तोड़ करके बाबर ने वहाँ पे बाबरी मस्जिद बनवा दी। लेकिन अहम मोड़ आया था 1949 में, जब रामलला जो थे चबूतरे पे, वहाँ से वो अंदर गर्भगृह में पहुँच गए थे। बड़ा मज़ेदार वाक्य हुआ था उस समय, दिलचस्प वाक्य हुआ था उस समय। जिस 22-23 दिसंबर 1949 को ये घटना हुई, यानी कि चबूतरे से जब रामलला अंदर गर्भगृह तक पहुँचे, तब फैजाबाद ज़िले के जो DM थे वो थे KK नायर, और जो चीफ सेक्रेटरी थे वो थे भगवान सहाय, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत हुआ करते थे, और देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हुआ करते थे। तो मैं एक अलग एपिसोड में ये बता चुका हूँ कि मूर्ति कैसे रखी गई या स्वयं प्रकट हुई, जो अलग अलग तरह की धारणाएं हैं उस पर बातचीत हो चुकी है। लिहाजा इस एपिसोड में ये बताना चाह रहे हैं कि उस समय के DM का जो रोल वो कितना इम्पोर्टेंट था और उन्होंने क्या स्टैंड लिया था। कहते ये हैं कि 23 दिसंबर को जब वहाँ पर पुलिस पहुँची और भीड़ जमा हो गई थी, मूर्ति अंदर रखी जा चुकी थी, तो ये बात जब वाया भगवान सहाय जो चीफ सेक्रेटरी थे उनके मुख्यमंत्री यानी CM गोविंद बल्लभ पंत और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तक पहुंची, तब निर्देश ये हुआ कि जिला मजिस्ट्रेट से कह करके उस मूर्ति को तत्काल जो है जहां पे पहले थी वहां पे रखवा दी जाए, यानी कि चबूतरे पे रखवा दी जाए। ये जब निर्देश DM जो है तत्कालीन DM KK नायर तक पहुँची, तो उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने प्रदेश सरकार यानी मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी को ये सलाह दी कि इस वक्त यदि इसके साथ छेड़छाड़ की गई, हटाया गया, तो भीड़ इतनी आक्रोशित है कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा हो जाएगी, लिहाजा जो है ऐसा न किया जाए। कहते ये हैं कि जो है चीफ मिनिस्टर इस बात को नहीं माने और उनको फिर से दोबारा निर्देश दिया गया कि आपको ये करना ही होगा। अब KK नायर के लिए जो है बहुत ही जो है वैसी स्थिति हो गई कि क्या करें, यदि ऐसा करते हैं तो लाइन ऑर्डर की समस्या पैदा हो जाएगी। फिर उन्होंने बहुत सोच समझ करके डिसाइड किया कि मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा लेकिन ये काम नहीं करूंगा। तो उन्होंने 26-27 दिसंबर को जो है अपना इस्तीफ़ा भेज दिया कंडीशनल। उसमें साफ साफ लिखा कि यदि ऐसा करते हैं तो फिर लाइन ऑर्डर की समस्या पैदा होगी, लिहाजा उन्होंने ये सुझाव दिया कि आप ऐसा किया जाए कि ये पूरा का पूरा मामला अदालत पर छोड़ दिया जाए, अदालत जो डिसाइड करेगी वैसा आगे किया जाएगा, और जो पुजारियों की संख्या है वो 3 है उसको घटा करके 1 कर दी जाए, और जो रामलला की मूर्ति है उसकी बाड़बंदी कर दी जाए, उसकी घेराबंदी कर दी जाए सुरक्षा के लिहाज से। इस सुझाव एक सुझाव इन्होंने ये दिया, और दूसरा ये दिया कि यदि प्रदेश सरकार यानी कि CM इस बात को नहीं मानते हैं तो वो मेरा इस्तीफा मंजूर कर ले। गोविंद बल्लभ पंत काफ़ी समझदार और स्वतंत्रता सेनानी CM थे, उन्होंने KK नायर के दूसरे सुझाव को माना, यानी कि उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया और ये सब कुछ अदालत पे छोड़ दिया गया। तो इस तरीके से KK नायर ने उनकी बात, CM और PM की बात उस समय मानने से साफ साफ इनकार कर दिया था। यदि KK नायर के बारे में बात करें तो वो जो है 1930 बैच के ICS थे, उस समय ICS बोला जाता था, और केरल के रहने वाले थे। बाद में वो इतने फेमस हुए कि बहराइच से वो सांसद भी चुने गए, और उन्होंने 1951-52 में क्या किया कि VRS लेकर के और इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। मतलब अंदाज़ा लगा कि 1949 की ये घटना है और 52 में जो है उन्होंने VRS ले लिया, और VRS लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में बतौर एडवोकेट उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दिया। फिर जो है वो चौथी लोकसभा के लिए बहराइच से सांसद भी चुने गए, और उनकी जो पत्नी है शकुंतला नायर वो भी कैसरगंज से कहते हैं कि 3 बार लोकसभा पहुंची, और उनका ड्राइवर भी जो है UP के लिए MLA चुना गया। तो इतने वो फेमस हो गए थे बाद में।
तो इस तरीके से इतिहास के आईने में जब हम देख रहे हैं तो वहाँ पे ऐसे ऐसे अधिकारी भी हुए जिन्होंने कि बहुत ही ऐतिहासिक डिसीजन किया कि नहीं, अब उस मूर्ति के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, और उन्होंने स्टैंड लिया, अपनी नौकरी तक की बाजी लगाई। उसी में से एक थे के नायर। तो राम मंदिर से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण मोड़ आए इतिहास में और जो डिसीजन आने वाला है इस दौरान तक और उसके बाद, जो भी इसमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेगी वो एक एक करके अलग अलग एपिसोड में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।